पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन गिवेन बाई दिस वन। देखो, अगर एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है, एक SHM है, तो उसका इक्वेशन हम लोग को पता है Y1 इज इक्वल टू ए साइन थीटा टी। जो साइन थीटा है, कॉस थीटा है, वो क्या होते हैं, वही सिंपल हार्मोनिक पीरियोडिक फंक्शन होते हैं और वही उन्हीं से हम SHM को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये, अब ये जो इक्वेशन दिया, इसको अच्छे से ध्यान से देखो, बड़े आराम से इसको देखो। ये देखोगे तो ए साइन ओमेगा टी और बी कॉस ओमेगा टी का समेशन है, मतलब ये सुपर पोजिशन ऑफ SHM, दो SHM से मिल के बना हुआ इक्वेशन है। ये इक्वेशन जो रिप्रेजेंट कर रहा है, वो दो सिंपल हार्मोनिक को मिलाया गया है मोशन को, तो एक नया मतलब जो इक्वेशन बना उसका एक इक्वेशन है, और उसकी एम्पलीट्यूड निकालना है। आपको पता होगा कि ये जो कॉन्स्टेंट है वो एम्पलीट्यूड को इफेक्ट नहीं करता है। तो अब आप पढ़े होगे तो वाई, अगर एक इक्वेशन इतना है और एक दूसरा ये है ए कॉस ओमेगा टी, तो इन दोनों में जो फेज का डिफरेंस है, ए साइन इसको लिख सकता हूँ कॉस ओमेगा टी पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी, इन दोनों में फेज का डिफरेंस क्या है, पाई बाई टू का है कॉस को। तो ये जो इक्वेशन है बेसिकली वो दो SHM का सम है, ए साइन ओमेगा टी और ए कॉस ओमेगा टी, और इन दोनों में जो फेज डिफरेंस है डेल्टा फाई, वो पाई बाई टू है। आप थ्योरेटिकल में अगर अगर ये क्वेश्चन आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो आप थियरी जाइए और उसमें पढ़िए सुपर पोजिशन ऑफ SHM, दो SHM का कॉम्बिनेशन समेशन सुपर इम्पोजिशन। तो जो रिजल्टेंट, जब दो SHM को मिलाया जाता है तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, पहले वाले का एम्पलीट्यूड A1 स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का एम्पलीट्यूड A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाइ, फेज डिफरेंस बिटवीन द टू SHM। दो SHM को मिलाया गया, एक का एम्पलीट्यूड A1 था, दूसरे का एम्पलीट्यूड A2 था, उनके बीच फेज डिफरेंस फाइ था, तो ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है। तो अब मैं इसको यहाँ अपने कंडीशन के हिसाब से लगाऊंगा, तो यहाँ A1 पहले वाले का एम्पलीट्यूड कितना बोलो, A का स्क्वायर, दूसरे वाले का एम्पलीट्यूड कितना है, B है, तो B का स्क्वायर प्लस 2AB, इन दोनों में फेज डिफरेंस पाई बाई टू है अंडर रूट, तो ये आ जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, दैट इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, ये इफेक्ट नहीं करता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब फर्स्ट ऑप्शन सही है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा।